फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं UPDLET फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। और फ्रेंड्स, आज के जो प्रश्न हैं हम राजन सीरीज से डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल शुरुआत से। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम UPDLET से रिलेटेड जितने भी क्लासेज हैं प्लस जितनी भी इन्फॉर्मेशन है इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट आपका प्रश्न है कि वर्षा ऋतु है। ऑप्शन ए 15 जून से 15 सितंबर, ऑप्शन बी 15 जून से 17 जून, ऑप्शन सी और तथा ब दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वर्षा ऋतु है, आप सभी को जो टाइमिंग दी जाएगी मात्र 3 सेकंड की टाइमिंग दी जाएगी। तो फ्रेंड देखिए, वर्षा ऋतु है, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा और, यानी 15 जून से 15 सितंबर तक वर्षा ऋतु है। अगला जो आपका प्रश्न है कि सबसे प्राचीन पुराण है। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि हमने पहले आप सभी को बताया था कि यहाँ पे विष्णु पुराण होगा, बट नो, मैंने जब जो आपका लूसेंट का बुक है उसमें देखा कि सबसे प्राचीन पुराण है, उसमें मत्स्य पुराण ही दिया है। तो प्लीज गाइज, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे प्राचीन जो पुराण है वो है मत्स्य पुराण, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट ही करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, तीसरा जो आपका प्रश्न है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल, पतंजलि, गौतम, जैमिनी। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं तो देखिए फ्रेंड्स, सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कपिल हैं वो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो हैं वो है कपिल। फोर्थ आपका प्रश्न है कि महाभारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है, जय संहिता, सत्यशाह, सत्री संहिता और तथा वह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बताना है कि महाभारत को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कि महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है, बट यहाँ ये भी दिया है सत्यशाह, स्त्री संहिता, तो इसके नाम से भी जाना जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो जाना जाता है वो जय संहिता के नाम से। फिलहाल यहाँ पर और तथा वह दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जय संहिता के नाम से सबसे ज्यादा, उसके बाद सत्यशाह स्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। फिफ्थ आपका प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, फिफ्थ का आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। सिक्स आपका प्रश्न है कि अस्तो मा सद गम्य लिया गया है सामवेद से, यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्वेद से। फ्रेंड देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि अष्टो मा सद गम्य लिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद से अष्टो मा सद गम्य लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, आप इसको अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा, अष्टो मा सद गम्य ऋग्वेद से लिया गया है। सेवन आपका प्रश्न है कि मूल अधिकारों की संख्या है 6, 5, 4, 7। तो मूल अधिकारों की संख्या है, तो फ्रेंड्स मूल अधिकारों की जो संख्या है यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां जो आपका प्रश्न है कि मूल कर्तव्यों की संख्या है 11, 13, 12, 14। तो मूल कर्तव्यों की संख्या है, तो फ्रेंड्स मूल कर्तव्यों की संख्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11 इज द राइट आंसर। नौवां प्रश्न है कि सबसे प्राचीन फसल मानी जाती है जौ, गेहूं और तथा ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे प्राचीन फसल मानी जाती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये दोनों ही हो जाएंगे, गेहूं और जौ दोनों ही हो जाएगा, इसलिए और तथा ब दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सबसे प्राचीन फसल मानी जाती है ऑप्शन सी, और तथा ब दोनों। दसवां प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का संबंध किस नदी से है, सिंधु नदी से, रावी नदी से, गंगा नदी से, यमुना नदी से।
तो मोहनजोदड़ो का चमन किस नदी से है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो का चमन जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी से। ठीक है यहाँ पे फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। अगला जो आपका प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है, 15 मार्च से 15 जून, 22 दिसंबर की स्थिति और तथा वह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्या आंसर होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च से 15 जून, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 12 आपका प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता है दयाराम शाहनी, राखलदास बनर्जी, यज्ञदत्त शर्मा, रविंद्र सिंह। तो मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता है, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता है राखलदास बनर्जी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 13 प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का संबंध है रावी नदी से, सिंधु नदी से, सतलज नदी से, घाघरा नदी से। तो हड़प्पा सभ्यता का संबंध है, तो फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता का संबंध है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, रावी नदी से। अगर बात करें मोहन जोदड़ो सभ्यता का संबंध है तो सिंधु नदी से, तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। आप इसको अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा, रावी नदी जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है और जो सिंधु नदी है वो मोहन जोदड़ो से संबंधित है। अगला जो आपका प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन करता है राखलदास बनर्जी, दयाराम शाहनी, रंगनाथ राव, बी के थापर। तो सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन करता है, तो गाइज यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के या हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन करता है, ऑप्शन नंबर जो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दयाराम शाहनी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला जो 15 प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी, ये सभी। तो भारत की सबसे लंबी नदी है, तो फ्रेंड देखिए भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट, गंगा नदी। 16 आपका प्रश्न है कि किस रेखा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा, ऑप्शन डी ये सभी। तो किस रेखा के उत्तरी ध्रुव में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी में दक्षिण ध्रुव है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे फर्स्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। 17 आपका प्रश्न है कि किस रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी देशांतर रेखा, ऑप्शन सी कर्क रेखा, ऑप्शन डी मकर रेखा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी वही आंसर होगा, भूमध्य रेखा इज द राइट आंसर। 18 प्रश्न है कि प्रमुख शक्ति के साधन है कोयला, विद्युत, खनिज तेल, लोहा इस्पात, वायु एवं जल, ये सभी। तो गाइज यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रमुख शक्ति के साधन है कोयला, विद्युत, खनिज तेल, लोहा इस्पात, वायु एवं जल, तो इसलिए ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 19 प्रश्न है कि प्राकृतिक आपदाएं हैं भूकंप, बाढ़, सूखा, ये सभी। पहले भी हमने क्वेश्चन ये डिस्कस किया है, क्योंकि मात्र रिविजन करना है तो आसानी से आंसर आ सकता है आप सभी का। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, प्राकृतिक आपदाएं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूकंप, सूखा, बाढ़, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक आपदाएं, ये सभी हैं। 20 प्रश्न है कि पछुआ हवा की विशेषताएं हैं, ये हवाएं उच्च दाब पेटी से निम्न दाब पेटी की ओर बहती है। ऑप्शन डी इसका क्षेत्र दोनों गोलार्ध में 30 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांश तक होता है, ये हवाएं आवाज करके चलती है, ये सभी। तो पछुआ हवाओं की विशेषताएं हैं, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि पछुआ हवाओं की जो विशेषताएं हैं, ऑप्शन ए, ये हवाएं उच्च दाब पेटी से निम्न दाब पेटी की ओर बहती है, इसका क्षेत्र गोलार्ध में 30 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों तक होता है, ये हवाएं आवाज करके चलती है, इसलिए तीनों ही करेक्ट है, तो ये सभी इज द राइट आंसर। 21 आपका प्रश्न है कि जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है तब जो भाग सूर्य के पीछे आता है वहां होता है रात दिन, रात दिन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है तब जो भाग सूर्य के पीछे आता है वहां होता है,
तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रात। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 22 आपका प्रश्न है कि कांस्य युग में सिंधु सभ्यता अपने विकसित रूप में कब प्रकट होती है। 2300 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व, 2400 ईसा पूर्व, 2700 ईसा पूर्व। तो कांस्य युग में सिंधु सभ्यता अपने विकसित रूप में कब प्रकट होती है। तो फ्रेंड्स 22 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2500 ईसा पूर्व। 23 प्रश्न है कि शीत ऋतु से संबंधित है। 15 दिसंबर से 15 मार्च, 21 दिसंबर की स्थिति, 21 मार्च से 23 दिसंबर की स्थिति, ये सभी। तो शीत ऋतु से संबंधित है। तो फ्रेंड देखिए शीत ऋतु से संबंधित है ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 दिसंबर से 15 मार्च। ठीक है। 24 प्रश्न है कि मौर्य काल के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक कुडाल। तो मौर्य काल के संस्थापक हैं, तो बिल्कुल सही फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि मौर्य काल के संस्थापक है फर्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य इज द राइट आंसर। 25 प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई। कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 25 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम के काल में ही, शासनकाल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 26 आपका प्रश्न है कि उपनिषदों की संख्या है 105, 108, 106, 104। तो उपनिषदों की संख्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 108 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 प्रश्न है कि महाभारत के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि, वेद व्यास और तथापो दोनों इनमें से कोई नहीं। तो महाभारत के रचयिता है, तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेद व्यास। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 28 प्रश्न है कि रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि, महर्षि व्यास और तथा वो दोनों इनमें से कोई नहीं। तो रामायण के रचयिता है, तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। 29 आपका प्रश्न है कि संगीत का संबंध है सामवेद से, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, अथर्वेद से। तो संगीत का संबंध है, तो फ्रेंड देखिए संगीत का संबंध है ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सामवेद से। 13 प्रश्न है कि व्यापारिक हवाएं मिलती है 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर से दक्षिण, 30 डिग्री से 40 डिग्री दक्षिण से उत्तर, 40 डिग्री से 50 डिग्री पूर्व से पश्चिम, इनमें से कोई नहीं। तो व्यापारिक हवाएं मिलती है, तो फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर जो हो जाएगा 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर से दक्षिण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी, अकबर। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आसानी से आंसर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है जैन धर्म के जो संस्थापक है ऋषभदेव और प्रथम तीर्थंकर है, ठीक है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है, 24वें तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी है, तो इसलिए अंतिम तीर्थंकर इन्हीं को ही बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 32 प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध। तो देखिए जस्ट मैंने अभी बताया 24वें तीर्थंकर हो गया या अंतिम तीर्थंकर हो गया, ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी महावीर स्वामी। 33 प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा का संबंध है भारत और चीन, ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत और अमेरिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैकमोहन रेखा का संबंध है, तो फ्रेंड्स यहां पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और चीन। 34 प्रश्न है कि सबसे छोटा ग्रह है बुध, बृहस्पति, मंगल, शनि। तो सबसे छोटा ग्रह है, बिल्कुल सही फ्रेंड्स, सबसे छोटा ग्रह जो है वो है बुध। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 प्रश्न की ठाड़े चक्रवात है असम का, ऑप्शन बी भारत का, ऑप्शन सी चीन का, ऑप्शन डी नेपाल का। तो ठाड़े चक्रवात है, तो फ्रेंड ठाड़े चक्रवात जो है ऑप्शन नंबर बी भारत का। 36 प्रश्न है कि हरिकेन चक्रवात संबंधित है मैक्सिको की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से, यूएसए से, जापान से।
तो फ्रेंड 36 का आंसर जो हो जाएगा कि हरिकेन चक्रवात संबंधित है ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेक्सिको की खाड़ी से। 37 प्रश्न है कि टाइफून चक्रवात कहाँ का है, जापान का, चीन का, फिलीपींस का, सभी। तो टाइफून चक्रवात कहाँ का है, तो फ्रेंड देखिए टाइफून चक्रवात जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे जापान का भी है, चीन का भी है, फिलीपींस का भी है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सभी का। 38 प्रश्न है कि विली विली चक्रवात कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का, सिडनी का, सॉरी चीन का, यूएसए का, जापान का। तो विली विली चक्रवात कहाँ का है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का विली विली चक्रवात है। 39 प्रश्न है कि जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती है, इसे कहते हैं चक्रवात, प्रतिचक्रवात, भूकंप, सभी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, जब केंद्र के दाब अधिक होता है, जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती है, इसे हम कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति चक्रवात। लास्ट आज का प्रश्न है कि चक्रवात की विशेषताएं हैं, ऑप्शन ए यहाँ निम्न दाब का केंद्र होता है, ऑप्शन बी इसमें केंद्र से बाहर की ओर दाब बढ़ जाता है, ऑप्शन सी और तथा वो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चक्रवात की विशेषताएं हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी और तथा वो दोनों, यहाँ निम्न दाब का केंद्र होता है, इनमें से केंद्र बाहर की ओर दाब बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स ये जितने भी प्रश्न थे 40 प्रश्न हमने डिस्कस किए और बहुत ही कम टाइम में हमने ये रिवीजन आप सभी के लिए बहुत ही बेस्ट रहेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ गाइस लाइक कर सकते हो, और आपके फ्रेंड्स मित्र भाई बहन 2019 बैच से रिलेट करते हैं तो आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं 5:30 बजे वाली क्लास में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।